इनके सगे भतीजे शाम बनकर बैठे हैं प्रॉपर्टी पर और इस बूढ़ी खातून को इसका हिस्सा नहीं दे रहे। मैं अपना हिस्सा मांगने, मैं बाईदा नहीं मांगती, भतीजिया नहीं मांगती, मैं बड़ी परेशान है, बीमार है, मेरा बच्चा भी बीमार है। हमारे अदालतों का निज़ाम भी तो ऐसा ही है ना, इंसाफ बहुत देर से मिलता है। तो मेरा भाई मेरा वाला साहब दे के गए थे, मैं रैश भी की थी उत्थे, समान अजय मेरा प्यार है, इन्होंने मेरे ना लड़ाई झगड़ा किया, मैं चुप करके निकल आई। परेशान मेरी वालदा को कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, हम कहते भी हैं कि वालदा को जाएँ, जो होगा देखी जाएगी। वालदा कहती हैं कि अल्लाह उनको हदायत दे, लड़ाई नहीं करनी पुत्र, गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना। वालदा अभी तक भी ये कह रहे हैं मेरे भाई की औलाद है, अल्लाह उनको हदायत दे, ऐसे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। MYK में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हम अपनी बेटियों बहनों को अपने प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देते। हम कहते हैं कि ये लड़की है, ये बीवी है या ये बहन है, ये कमज़ोर है, हम इसे हिस्सा क्यों दें, हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि कुरान पाक में 1400 साल पहले ही इसकी तकसीम हो चुकी है कि आपने अपनी बेटियों अपनी बहनों इनको इनका प्रॉपर्टी में से हक जो बनता है शरई तौर पर वो देना है, लेकिन हम लोग नहीं देते, हम इग्नोर कर जाते हैं और आगे चलकर ये बड़े मसाइल का सबब बनते हैं। फिर क्या होता है, औलाद जवान होती है तो फिर वो चाचे से प्रॉपर्टी लेनी हो या मामू से लेनी हो अपनी वालदा का हक, तो वो फिर अदालतों में जाते हैं, केस करते हैं, वो केस चलता रहता है। इसी दौरान बड़े जो होते हैं वो दुनिया से चले जाते हैं, क्योंकि हमारे अदालतों का निज़ाम भी तो ऐसा ही है ना, इंसाफ बहुत देर से मिलता है। लेकिन अगर हम इस चीज़ पर अमल करें, शरई तौर पर अगर हम देखें कि बहन का जो हिस्सा बनता है उसको फ़ौरन दे दें या बेटी का जो हिस्सा बनता है उसको फ़ौरन दे दें, तो मसाइल आगे चलकर कभी भी ना बने। क्योंकि दुनिया में जब जाना है, दुनिया से जब आप जाओगे तो आप खाली हाथ जाओगे, आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जायदादें, आपकी कोठियाँ, आपकी गाड़ियाँ यहीं रह जाएंगी। अगर आप ईमानदारी के साथ अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, माँ को उनका हिस्सा अगर आप दे देंगे, उनका जो बनता है, तो यकीन करें अगला जहान भी अच्छा और इस दुनिया में भी आपको तकलीफ़ नहीं होगी। इसी तरह एक केस है, यहाँ पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, काफ़ी अरसे से ये माँ और बेटा मुझे फ़ोन कॉल SMS करते थे कि आप हमारे पास आएँ, अपने चैनल के तवसुत से ये हमारी खबर आला हुकाम तक पहुँचाए और शायद उन तक भी ये खबर पहुँचे, शायद उनको थोड़ा सा एहसास हो, खुदा का खौफ हो और इनको इनकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिल जाए। इनके सगे भतीजे शाम बनकर बैठे हैं प्रॉपर्टी पर और इस बूढ़ी खातून को इसका हिस्सा नहीं दे रहे। बेटे ने हमसे रابطہ किया, इनसे पूछेंगे इनकी प्रॉपर्टी कहाँ पर है, कितनी है, इनका हिस्सा कितना बनता है। माँ जी, किन्नी जगह है, थोड़ा किन्ना हिस्सा बनता है, तो कौन लोग ने जड़ा नहीं दे रहे? मेरा बेटा 2.5 मरले है। हाँ जी, तो मेरा भाई मेरा वाला साहब दे के गए थे, मैं रैश भी की थी उत्थे, समान अजय मेरा प्यार है, इन्होंने मेरे ना लड़ाई झगड़ा किया, मैं चुप करके निकल आई। कहते दवांगे फुफो, दवांगे फुफो, जिसल टाइम आया मैं बीमार हैं, मैं तके खान डी 20-25 साल, तो मैं क्या मैंने दवो, मैं अपने बच्चे लैके, कहते तेरा कोई बनता ही नहीं हिस्सा। मेरे भतीजे कहते कितने लिखा था, कल चल जा जिन मर्जी लै आया, मेरे ना बदतमीजी थोड़ी जी की है, मैं चुप करके वापस आ गया। फिर मैं तरला मारिया परजाई का, मैं क्या मेरे के भैने एहसास कर, कहती कोई तेरा बनता ही नहीं। भाई आपका दुनिया में है कि फोत हो गया? मेरे वाले साहब तो फोत हो गया, मेरा भाई भी फोत है, दोनों भैन भरा है, उन्होंने बेटे नहीं दे रहे हिस्सा। हाँ जी, तुम्हारा हिस्सा कितना बनता है, कितने पैसे बनते हैं? शरी तौर पे सर वो रेट लगवाया है 40 से 45 लाख है, हमें शरी दे दें, कुछ भी नहीं चाहिए, वो अपने घर खुश रहें। मेरी वालदा का जो शरी तौर पे बनता है, कानूनी तौर पे पाकिस्तानी निज़ाम के मुताबिक जो शरी बनता है रेट लगवा के दे दें। वो कहते भाई के दोहे से बनते हैं, भैन का एक हिस्सा बनता, वो मोल दे साहब जो मेरा बनता वो दे दो। मैं अपना हिस्सा मांगने, मैं बाईदा नहीं मांगती, भतीजिया का नहीं मांगती, मैं बड़ी परेशान हाँ, बीमार हाँ, मेरा बच्चा भी बीमार है, मैं इन्ने जोगी नहीं दालतों से धक्के खान जोगे, मेरे ना एहसास करन, मेरे भतीजे मेरे ना तावन करन, मेरा हक मैनु देन। अच्छा, अपना हक लेने के लिए कहाँ कहाँ तक चले गए हो आप? इनके बेटे हो, जाहिर है देखभाल आपने सारी करनी। सर जी, हम इछड़े थाने तक गए हैं पर उन्होंने भी कोई ऐसा यानी कि वो नहीं किया, इसलिए सर हम मजदूर बंदे हैं, थाने कचहरियों के धक्के खाएँ, घर का निज़ाम चलाएँ। यहाँ भी जिससे भी बात की है खेड़, वो सारी सर कहते हैं पैसे की है, वो कहते हैं बैठ के बात करो, तो बैठ के बात करें। अम्मी वालदा गई हैं, बदतमीजी की है उन लोगों ने, ठीक है,
तो परेशानी है सर, हम कानून का सामना, सीधी सी बात है, इंसाफ नहीं कर सकते। अच्छा, आपके उनके नाम क्या है बेटे, उनके बेटों? उसका सर मोहम्मद आमिर है और मोहम्मद लियाकत है, उनकी वालदा का नाम जमीला है। तो परेशान मेरी वालदा को कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हम कहते भी हैं कि वालदा को जाएँ, जो होगा देखी जाएगी। वालदा कहती हैं कि अल्लाह उनको हदायत दे, लड़ाई नहीं करनी पुत्र, गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना। वालदा अभी तक भी ये करे, मेरे भाई की औलाद है, अल्लाह उनको हदायत दे, ऐसे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि बहन अब भी अपने भाई से इतनी मोहब्बत करती है कि भाई इस दुनिया में नहीं है, भाई इस दुनिया में नहीं है, मनोमिटी थले, लेकिन उसकी बहन इतनी मोहब्बत करती है कि भाई के ना होने के बावजूद हिस्सा भी नहीं दिया, और कहती है कि उनके बेटों को कुछ ना कहो, लड़ाई मत करो, लड़ो मत। लेकिन एहसास और शर्म उनको भी करनी चाहिए, जो उनका इतना एहसास हो रहा है इनकी जानिब से, उनको थोड़ा सा देखना चाहिए कि भाई खातून बूढ़ी है, बच्चे हैं, मामलात है, इसका एक बेटा भी बीमार है, इस वक्त चार पाई पर है, उसका भी इलाज चल रहा है, किराए के मकान में ये धक्के खा रहे हैं, 7,000 का ये घर है रेंट पर, एक कमरा है इसमें, छोटा सा किचन है, घर में अंदर दाखिल होते ही घर ख़त्म हो जाता है। तो 7,000 में लाहौर जैसे शहर में आपको कितना बड़ा घर मिल सकता है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। 7,000 तो एक आपने अगर मुलाजिम रखा होगा घर में, यकीन करें उसका भी इतना ख़र्चा नहीं होगा हफ्ते का। तो ये हालात आप देख लें, गरीब लोग हैं, कहाँ जाएँ, सिर्फ अपने हक के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं कि शायद उनको शर्म आ जाए। जितनी मोहब्बत ये अपने भाई से अब भी करती है जो दुनिया में नहीं है, उनको बेटों को भी एहसास करना चाहिए कि ये उनकी फूफू हैं, उनको चाहिए कि खुद आकर जो इनका शरई हक बनता है, ये ज़्यादा तो नहीं मांग रहे, जो शरई हक बनता है वो इनको दें। वैसे कितना बनता है सर? रेट लगवाया 12 से 13 लाख है। जैसे सर हमें पता चला है कि 40-45 लगा, 12-13 लाख बनता है। अपने प्राण नाल मोहब्बत कर दे सो। हाँ जी भाई, भाई भी करता सी। हाँ जी बहुत अच्छा सी। याद आंदी है प्रादी? ना कोई भैन है और मेरा बेटा, ना भाई है, असी भैन भरा बहुत तरला मारे अपने भतीजा। केले बहन भाई एको ही भरा सी? हाँ जी। वो कहते तेरा हक ही नहीं बनता, पहले कहते सी दवांगे फुप्पो जो तेरा बनता दवांगे। जिसे टाइम आया कहते तेरा हक ही नहीं बनता, जिते मर्जी असी सारे पुछया कितने लिखा था, मैं क्या कुरान पाक का फैसला, हजूर पाक का हक है, बेटियाँ जो बनता बेटा, मैं नहीं कहती मैं सारा दो, जो मेरा बनता मैं दे दो, एहसास करो फुफो आ, कोई गैर नहीं, लोग तो गैर ना भी एहसास कर देंगे तो, मगर कहते नहीं। इस बहन के अब भी अपने भाई के लिए आंसू निकल रहे हैं, मोहब्बत भरे ये आंसू, एहसास है ना अंदर, प्यार है। बहन का दिल बड़ा नरम होता है, माँ का दिल बड़ा नरम होता है, बेटियों का दिल बहुत नरम होता है। औलाद के जाने के बाद, भाइयों के जाने के बाद भी इस दुनिया में उसकी मोहब्बत उनकी बहनों के दिलों में रहती है, और हमेशा उसकी बहन के आंसू निकलेंगे। भाई तो संग दिल हो जाते हैं, भूल जाते हैं, बहनों को भी सब कुछ भूल जाते हैं, अक्सर ऐसा देखा है हमने माशरे में चल भी रहे, लेकिन बहनों का दिल बड़ा नरम होता है। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह यह है कि एहसास ज़िंदा रहते हैं बहनों में, प्यार करती हैं। लेकिन मैं सिर्फ इनके भतीजों से ये कहना चाहूँगा, अगर वो ये न्यूज़ देख रहे हैं तो एहसास कर लें, आपकी भी बहनें हैं, आप भी बेटियों वाले हैं, बहनों वाले हैं, माँ है आपकी बूढ़ी घर में जिस तरह इसकी है, तो उस चीज़ का एहसास करके इनका जो इनका हक बनता है कम से कम वो तो देना, ताकि आपके लिए भी आसानी हो दुनिया में भी और आखिरत में भी और इनके लिए भी हो। तो आज के MYK में सिर्फ इतना ही।